हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास आई स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक है और इसमें जो है हम कार्बेटर लगाने वाले हैं। देखिए इसमें मोटर जो है काफ़ी दिन खराब हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इसमें रखने के बाद पूरा झोला बढ़ गया है। तो देखिए कार्बेटर हमने ऑलरेडी जो HWX वीडियो डाल रखा है कि कार्बेटर उसमें कैसे सेट करें, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो अलग है। और एक भाई ने हमारे पास कमेंट भी किया था कि भाई स्प्लेंडर में जो है BS6 में कार्बेटर हम कैसे लगाएं, तो वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे कम खर्चा, सबसे ओरिजिनल, सभी जो सामान लगेगा सभी ओरिजिनल लगेगा, सबसे कम खर्चा में आप इसमें कार्बेटर लगा सकते हैं। बस वीडियो जो आपको एंड तक देखना होगा और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें कार्बेटर लगा रहे हैं तो और सब बाइक में होती है जो डिलक्स हो गई BS6, उसमें जो टोटल बॉडी को एडजस्ट रखना पड़ता है। तो इसमें जो है क्या टोटल बॉडी को एडजस्ट रखना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा, कैसे उसको सेट करना पड़ेगा, आप इस वीडियो में पूरा जान लीजिएगा। तो चलिए इसका टंकी पालन जो भी है सभी कुछ उतारते हैं और इसको दिखाते हैं कैसे जो है आप कार्बेटर इसमें लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको लगाना होगा, क्या क्या चीज़ को ध्यान देना होगा, क्या क्या चीज़ इसमें लापरवाही नहीं करना होगा, मतलब गलती नहीं करना होगा, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसका जो देख रहे हैं, इसका जो प्रदूषण सिस्टम लगा रहता है इसको हम बाहर करते हैं और यहाँ पे जो इसका टोटल बॉडी है इसको हम बाहर करेंगे। और यहाँ पे देखिए फिल्टर जो रबड़ है BS4 ग्लेम्बर रबड़ है, अभी तक जो हमने स्प्लेंडर में कार्बेटर नहीं लगाया जिसके वजह से आपके पास वीडियो भी नहीं डाले हैं। भाई एक कमेंट किए थे जिसके वजह से हम वीडियो बना रहे हैं और हमारे पास बाइक है इसमें कार्बेटर लगाने के लिए। तो देखिए जो BS6 डिलक्स है उसमें जो क्या होता है, यहाँ कार्बेटर में जो इसका यहाँ कार्बेटर रबर लगता है उसको जो है चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या चेंज करना होगा या नहीं चेंज करना होगा, चलिए इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ इसमें चेंज करना होगा। एक टोटल बॉडी का जो दोनों सेंसर है उसको कहाँ पे रखना होगा, इसका फ्यूल इंजेक्टर इसको रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, सारा डिटेल देंगे इस वीडियो में। वीडियो चलिए अंत तक बने रहिए, चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका टोटल बॉडी अभी हम इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ इसमें जो है लगाना पड़ेगा और किस तरीके से लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर कार्बेटर लगाने के बाद इसका माइलेज जो है कितना पे मिलाना पड़ेगा। और इसमें दिया रहता है, यहाँ पे देखिए आप टोटल बॉडी में देखेंगे तो आपको एक पाइप दिखेगा जो इसको जो है प्रदूषण के लिए दिया रहता है, इसको रखना पड़ेगा और कहाँ पे रहेगा सारा चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्योंकि ये वाला पाइप है, अगर BS4 बना रहे हैं बाइक तो ये वाला पाइप ऑलरेडी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है टंकी का गैस होता है उसको बाहर निकालता है। इस साइड से देखो, देखिए ये वाला जो प्रदूषण पाइप है इसको जो है रखना पड़ेगा क्योंकि टोटल बॉडी से होके आया है। और यहाँ पर इसका सेंसर लगा रहता है, जो भी प्रदूषण इसमें से निकलता है यानी इसमें से गंदगी निकलता है यहाँ पे उसको फ्रेश करके कंट्रोल करके इसमें भेजता है, इसको वजह से यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा अगर BS4 बना रहे तो। ध्यान दीजिएगा स्प्लेंडर में क्या क्या चीज़ आपको अच्छे से करना है, क्या क्या चीज़ गलती नहीं करना है, सारा चीज़ जो है आपको समझना होगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बन रहे, चलिए इसको बाहर निकाल दें टोटल बॉडी और दिखाते हैं जो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। पेट्रोल की टंकी में सेट कहाँ पे करना पड़ेगा, उसका टोटल बॉडी के पास में क्या चीज़ लगेगा, कार्बेटर में कौन सा बाइक के कार्बेटर लगेगा, कौन सी कंपनी का लगेगा, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए अभी इसका टोटल बॉडी हम बाहर निकाल लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हर मैकेनिक इसमें गलती कर रहे हैं, मैंने वीडियो देखा है यूट्यूब पे, जो अपने खुद का वीडियो नहीं देखा है, दूसरे किसी भाई का वीडियो देखा है जो कार्बेटर लगा रहे हैं BS6 में, लेकिन जिस तरीके से लगा रहे हैं वो तरीका लगाने का गलत है। मैं दिखा दे रहा हूँ कि उस क्या तरीके से गलती लगा रहे हैं और हम क्यों बोल रहे हैं कि वो गलती लगा रहे हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए भाई यहाँ पर हमने सभी जो चीज़ों को मंगा लिया है और देखिए इसमें कार्बेटर आपको कैसे एडजस्ट करना है। देखिए अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा कार्बेटर लगाने में, क्योंकि कार्बेटर में थोड़ा तामझाम हो सकता है। डिलक्स में जो हम कार्बेटर लगाते हैं उसमें हमको तामझाम नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें तामझाम लग रहा है। इस देखिए क्यों, डिलक्स जो BS6 थी उसमें ए वाला हम लोग क्या करते थे, इसको कटवा कर इसको बिल्डिंग करा देते थे, लेकिन अभी देखिए हम इसको जो 11 मॉडल बाइक का कबाड़ से खरीद के लेके आए हैं, नया इसका मिल नहीं रहा था और इसको जो हम कबाड़ से लेके आए इसको 350 रुपये पड़ गया हमको कबाड़ से खरीद के लाए, फिर भी जबकि नया का दाम है 220 रुपया, ये जुगा कर रखा था कबाड़ ने जिसकी वजह से हमको 300 रुपया देना पड़ गया इसको। सो यहाँ पे देख लिया हम जो यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रदूषण सिस्टम, हमको प्रदूषण सिस्टम लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमको काफ़ी इसको खोजना पड़ा और 11 मॉडल बाइक का है तो इसको हम क्या करेंगे मिटका देंगे। अब देखिए आपको लगाना कैसे, अगर आप ये नहीं देखते कि लगाना कैसे तो आपको कन्फ्यूज आएगा और प्लस में आप कैसे कैसे सेटिंग होता है ये आप नहीं समझ पाएंगे, तो वीडियो एंड तक देख लिया जाइए। अब चलिए बताते हैं कैसे सेटिंग करना है और क्या क्या इसमें हम सामान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम आपको दो सामान दिखा दे रहे हैं, एक है इसका कार्बेटर का एल्बो और एक है इसका कार्बेटर जो हीरो का हम लगा रहे हैं, और इसका प्राइस जो है मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा इसका प्राइस जो है कितना है। तो चलिए सबसे पहले लगा रहे हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए और आपको दिखाते हैं कैसे जो है इसमें सेटिंग करना है और टोटल बॉडी का क्या इसमें टोटल बॉडी लगेगी कि नहीं लगेगी। BS6 जो HF डिलक्स है उसमें टोटल बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और इसका फिल्टर रबर जो BS6 डिलक्स में बदलना पड़ता है, स्प्लेंडर प्लस में बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये वीडियो एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जो इसका कार्बेटर फलंचा है
जो इसका एल्बो है, यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे होल है इसमें, यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक भाई को हमने देखा है जो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर डिलक्स में, चाहे जो भी बाइक में कार्बेटर लगाता है, उसमें क्या करते हैं यहाँ से और यहाँ से कट कर देंगे। अब भाई यहाँ से और यहाँ से तो कट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप टाइट भी कर रहे हैं तो यहाँ पर लीकेज रह जाएगा, लीकेज उसका नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो आपने इसको हटा दिया, इस साइड से हटा दिया, और यहाँ पर अगर गैस्केट भी लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, उसको बराबर टाइट करेगा नहीं, जिसके वजह से यहाँ पर लीकेज हरदम के लगा ही रहेगा। तो आपको इसे गलती नहीं करना है, ए वाला सिस्टम जो इसको काटना नहीं है, आपको सबसे पहले एक रेती लेना है, देखिए यहाँ पे हमने इसको होल बढ़ाया, रेती लेना है और यहाँ पे उसका कोर से आपको ऐसे जो है इसका साइज़ बढ़ा लेना है। देखिए हमने दोनों साइड इसका साइज बढ़ाया है और हर वीडियो में बताया है, हर जो भी वीडियो डाले हम उसको बताए हैं कि इसको जो है काटना नहीं है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो चलिए अब इसको करके दिखाते हैं कैसे लगाना है, हर एक पार्ट आपको समझाएंगे कि हर एक पार्ट में आपको कैसे लगाना है, कौन सा चीज़ कैसे लगाना है। तो चलिए अभी इसको लगाते हैं, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा एक यहाँ पे फ्लेंजर का गैस्केट और यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे गैस्केट लगाने का ही मतलब है कि इसमें जो लीकेज नहीं रहेगा अगर इसको हम लगा दे रहे हैं। तो अब चलिए इसको लगाते हैं। सो चलिए यहाँ पे इसका जो कार्बेटर इसका फ्लेंजर है उसको हम लगा लेते हैं, उसके बाद से आपको दिखाते हैं कार्बेटर कैसे एडजस्ट करना है और कार्बेटर लगाते टाइम आपको क्या क्या चीज़ लगाना पड़ेगा और उसका रेट जो है कितना है। काफ़ी हमारे भाई जो है कंफ्यूज रहते हैं देखकर वीडियो कि हम इसका रेट जो है कितना लगता है, और हमारे पास एसएमएस करते हैं, एसएमएस करना सही बात है, उनको ये पता लग जाता है कि पूरा क्लियर जो है रेट कितना लगता है। देखिए वीडियो में कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि टोटल बॉडी इसका जो फ्लेंजर है कार्बेटर फ्लेंजर कितना भाई हमारा इसको एल्बो भी बोलते हैं कार्बेटर एल्बो, सो जो इसका नाम धरिए जहाँ जैसा तहाँ इसका उस तरह के नाम रखा जाता है। सो यहाँ पर अभी ये टाइट हो गया है और यहाँ पर देखिए अगर इसको हम टाइट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे लीकेज नहीं रहेगा, देखिए अगर यहाँ पे लीकेज नहीं रहेगा सो यहाँ पे अगर कसते टाइम पूरा जो है सोल्यूशन बाहर आ जाएगा, और वहाँ पे लीकेज रहेगा तो सोल्यूशन बाहर नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि अगर ये लीकेज करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, बाइक जब भी स्टार्ट करेंगे तो सक्सेस का उसमें से आवाज़ आएगा। सो चलिए यहाँ पर इसका हम कार्बेटर का जो पिस्टन रहता है उसको हमने बाहर निकाल रखा है, अभी कार्बेटर लगाते हैं और बताते हैं क्या चीज़ जो कार्बेटर लगाते टाइम आपको देखना है और उसको समझना है, और इसका फिल्टर लबड़ जो है उसका बदलना होता है कि नहीं बदलना होता है। चलिए इसको ला के सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका फिल्टर लबड़ जो है कितना पे मांग रहा है, यानी होस पाइप कितना पे मांग रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसको कार्बेटर लगाएंगे। अब देखिए ये BS6 वाला ही है, हमने इसको चेंज जो है नहीं किया, BS6 वाली है, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर लगा के देख रहे हैं अभी ये क्या कह रहा है, ये बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा। हमारे ख्याल से इसको जो है चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये आसानी से जो है हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको फंसा लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने जो है लगाया इसको आसानी से बैठ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको इतना पे लगा रहे हैं तो ये तो थोड़ा बेंड होगा यहाँ पे, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोटा दिया है, अगर थोड़ा बेंड भी हो जाएगा ऐसे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इतना पे हम इसको चलिए कस लेते हैं। उसके लिए देखने आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो कार्बेटर फलंचा लेना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक कार्बेटर फलंचा लिए हैं। अब इसको यहाँ पे नाप लेते हैं अभी ये क्या कर रहा है, तो अभी ये आसानी से आ जाएगा, और अगर इसको हम टाइट करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। सो चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं, उसके बाद से बताते हैं क्या क्या जो है इसमें सेटिंग करना होगा, आपको माइलेज कितना मिलाना होगा और इसमें एक्सीलेटर वर्क क्या लगाना होगा, और यहाँ पर हमने इसको छोड़ रखा है जो यहाँ पर देख रहे हैं सांसी वाला जो हम इसको छोड़ रखे हैं, इसमें क्या चीज़ लगने वाले है जो इसमें ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका जो सेंसर वर्क करता है इसके वजह से। तो ये चीज़ हम सभी कह लेते, उसके बाद से बताते हैं कि कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है और किस चीज़ में लगाना है। फ्लेंजर में जो है सोल्यूशन लगा लिया ताकि जो ये लीकेज ना करे। सो आपको भी लगाते टाइम इसमें सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा लगाना है क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसको हम कस रहे हैं तो फ्लेंजर जो इसका है पुराना है, अगर सोल्यूशन नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर लीकेज करने लगेगा, इसके वजह से इसमें हम सोल्यूशन लगा रहे हैं। चलिए यहाँ पर लगा के इसको कसते हैं और उसके बाद से आपको दिखाते हैं टंकी में जो किस तरीके से आपको काम कराना है। काफ़ी मैकेनिक भाई को हम देखते हैं टंकी में जो इसका काम कराते हैं उसको क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करा देते हैं। अब ब्लॉक करने से क्या होगा, आप जब भी चाहिएगा कि हमारा बाइक जो फिर BS6 में कन्वर्ट हो जाए तो BS6 में कन्वर्ट वो नहीं हो पाएगी। सो आपको टंकी जो है बनवाना है और उसका फ्यूल जो मीटर है उसको उसी छोड़ देना है, उसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब चलिए कैसे करना है वो भी आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका हम कार्बेटर जो है कस लेते हैं यहाँ पर ताकि जो है आपको समझ में आ सके कि कार्बेटर जो है किस तरीके से यहाँ पर कसना है। अब यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं टाइट, यहाँ पर देखिए आसानी से आ गया, उसमें हमको ये वाला जो है लबड़ नहीं बदलना पड़ा और ना इसमें कुछ छेड़छाड़ करना पड़ा, यहाँ पे ये आसानी से आ गया और इसका भी कसने वाला भी यहाँ पे आसानी से आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने कार्बेटर तो लगा दिया,
लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप ग्लैम्बर का तो यहाँ पे अगर कार्बोरेटर डाल रहे हैं तो ये वाला नहीं देगा, अगर डिलक्स और स्प्लेंडर का आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे ए वाला देगा, तो हम इसमें स्प्लेंडर का ही डाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इसको करना क्या है, पुराने जो बाइक थी BS4 उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है एक सेंसर ही लगा रहता है, जिसमें कि BS6 में सेंसर लगा रहता है, उसी एक सेंसर लगा रहता है। जब भी आप एक्सीलेटर लेंगे तो उसमें क्या होगा, चुट से आवाज़ आएगा, अगर चुट से आवाज़ आएगा उतना पे आप बाइक चलाएंगे तो काफ़ी मान ले देता है। लेकिन एक क्या होता है, जो CDI इसका लगा रहता है BS4 में, उसका वायर सीधे यहाँ पर आकर लगता है, तो ये वाला सिस्टम जो BS6 में नहीं देता है, तो इसको आपको छोड़ देना है, वैसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। अब चलिए यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, ये वाला जो इसका नट है इसको ढीला कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको टाइट कर लेंगे, यहाँ पे चलिए टाइट कर लेते हैं, यहाँ पे ये आसानी से बैठ गया। अब यहाँ पे इसको पेट्रोल पाइप लगा लेते हैं, इसका एयर क्लिनिक वाला पाइप लगा लेते हैं, जो इसका पेट्रोल ओवर होता है वो वाला पाइप लगा लेते हैं, और उसके बाद से आपको दिखाते हैं इसमें जो है क्या करना है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ रखा है इसको, इसमें क्या करना है, उसके बाद से टंकी में क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सबसे ज़रूरी है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ इसमें लगने वाला है। सो देखिए यहाँ पे मैं जो यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए क्या लगा है, प्रदूषण सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या करता है, जो भी आपकी बाइक जो है पेट्रोल उड़ती है उसको क्या करता है, यहाँ पर ला के जमा करता है, और इसमें से जो यहाँ पर दिख रहे हैं यह एक तरह का सेंसर ही लगा रहता है, जो जितना भी इसमें से गंदगी होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, हवा की तरह बना देता है, और उसमें से पूरा प्रदूषण ख़त्म करता है। मतलब जितना भी उस समझिए एक तरह की जो प्रदूषण होती है, एक तरह की बीमारी फैलाने वाली, उसको जो है ख़त्म कर देता है सेंसर के द्वारा, बैटरी के द्वारा। और यहाँ पे इसमें से आकर और यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे हवा में ये निकल जाती है, तो इसको जो है सबसे ज़रूरी है आपको लगाना। और देखिए यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, जो यहाँ पर हम बता रखे हैं, देखिए इसका कार्बोरेटर जो यहाँ पर हमने फलंचा लगा रखा है इसी में लगेगा, यहाँ पर ये लग जाएगा। देखिए तो ये आपको काम जो है 100% कर लेना है, ध्यान से करना है, और यहाँ पे लीकेज भी नहीं होना चाहिए। सो चलिए यहाँ पे लग गया, अभी इसमें हम एक्सीलेटर लगाते हैं, यहाँ पे इसका ट्यूर बॉक्स लगाते हैं, और जो काम है जरूरी काम है सब आपको दिखा रहे हैं, तो ध्यान से देख के जाइएगा वीडियो, नहीं तो आप आधा दूर हम देखिएगा फिर भाई बोलिएगा, कमेंट करके कॉल कीजिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो जो पूरा एंड तक देख के जाएँ। सो चलिए यहाँ पर हम इसको एक्सीलेटर लगा लेते हैं और टंकी में दिखाते हैं कैसे जो आपको क्या कराना है। तो देखिए यहाँ पे हमने किस तरीके से बना रखा है इसको, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी जो भाई मैकेनिक है इसको बनाते हैं सही है, लेकिन भाई एक गलती मत किया करो तुम लोग, देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका फ्यूल इंजेक्टर लगता है, यानी इसका फ्यूल पंप जो लगता है, ये वाला इसका पंप लगता है, हमने इसको इंजेक्टर बोल दिया, यहाँ पर जो इसका पंप लगता है इसको क्या करते हैं भाई, यहाँ पर तो इसको बनवा देंगे सही है, लेकिन इसको जो है ब्लॉक कर देते हैं। अब भाई यहाँ ब्लॉक करने से क्या होगा, अगर ये ब्लॉक कर दे रहे हैं तो दोबारा आप उसको बनाएंगे तो कभी भी नहीं बनेगा, यानी आपका टंकी जो ख़राब हो गया, समझिए एक तरह से टंकी ख़राब हो गया तो कभी भी नहीं बनेगा। देखिए आपको करना कहा है, तो देखिए आपको करना कहा है, यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है इसको, कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, और यहाँ पे आपको मोटर भी कुछ का कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ इसको करना कहा है, यहाँ पर मैं इसको करके दिखाता हूँ क्या करना है इसको। तो देखिए आपको करना कहा है, इसको सिर्फ जो है इसमें सोल्यूशन आपको इसमें डाल देना है। अब यहाँ पर सोल्यूशन डालने से क्या होगा, ये तो पेट्रोल देगा नहीं, और इतने पर जो है ब्लॉक रहेगा, इतने में ब्लॉक रहेगा, और इसको जो है कस देना है, क्योंकि हम इसको जो है चलाना नहीं है, तो हम इसको चलाएंगे नहीं तो ये जो है पेट्रोल देगा नहीं। तो देखिए इसको हमने डाला है यहाँ तक ही पहुँच गया, अब इसको यहाँ पे कस देना है, इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है मोटर में, तो यहाँ पे हम इसको कस देते हैं, यहाँ पर बैठ गया, ये हो गया इसका पत्ती, ये लग गया, अभी इसको बोल्ट हम टाइट कर लेते हैं, उसके बाद से आपको दिखाते हैं इसको जो है कैसे एडजस्ट रखना है और कितना इसमें खर्चा आता है इसको लगवाने में और इसको बनवाने में। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हमको कितना खर्चा लग गया, इसको लगवाने में हमको टोटल जो है 250 रुपये लग गया है, और 200 रुपये का इसमें MCL आता है। देखिए MCL इसलिए साथ रखें, यहाँ पर तो हमने बिल्डिंग करा दिया, गस बिल्डिंग करा दिया, इसको बनवा सही है। अब यहाँ पर MCL जो है अगर साथ दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पेट्रोल का कभी भी लीकेज नहीं आएगा, अगर यहाँ पर हम नहीं साथ रहे हैं तो यहाँ पर बिल्डिंग तो है पेट्रोल का लीकेज आने लगेगा, इसकी वजह से यहाँ पे साटना पड़ता है, तो यहाँ पे आप साट लीजिएगा। और इसमें हम जो पेट्रोल टी लगा रहे हैं वो है साई कंपनी का लगा रहे हैं, और यहाँ पे आप इसका दाम देख सकते हैं कितना दाम है, यहाँ पे 167 रुपये MRP है, लेकिन पड़ता है कम, 130 रुपये पड़ता है। तो अभी इसको हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे जो है लगाना है। सो यहाँ पर निकल जाएगा बाहर, देखिए आगे बाहर, और इसको हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ डालना है इसे,
से डालना है, ये लग गया, और इसको जो है टाइट कर देना है। तो चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ टाइट करके यहाँ पे पेट्रोल डाल के आपको चेक कर लेना है, इसमें जो है लीकेज नहीं होना चाहिए। अभी ये लग गया, अभी यहाँ पे इसको हम टंकी मीटर जो है यहाँ पे खोल रखे हैं, क्योंकि वेल्डिंग करने जाने के लिए यहाँ पे पेट्रोल जो पूरा इसको खाली करना होता है, और उसको जो है शैम्पू से वॉश करना होता है। इसको हम वॉश कर लिए, अभी यहाँ पे मीटर इसका कस लेते हैं, उसके बाद से दिखाते हैं इसका टोटल बॉडी का जो यहाँ पे जो सेंसर लगा है, सेंसर का वायर दिया है, आपको कैसे रखना है, और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर जो लगता है इसका, आपको इसमें रखना है कि नहीं रखना है, क्या ये बिना फ्यूल इंजेक्टर जो है बाइक चलेगी कि नहीं चलेगी, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टंकी का जो है मीटर हम इसका कस लेते हैं। अब चलिए इस बाइक का हम जो है सबसे जरूरी और सबसे जो अहम चीज़ है वो हम करने वाले हैं। देखिए उसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो इसका टोटल बॉडी लगता है, देखिए यहाँ पे आ गया इसका टोटल बॉडी, और भाई इसमें लगता है फ्यूल इंजेक्टर, सही है। और डिलक्स में जो है यहाँ पे टोटल बॉडी में ही सीढ़िया दिया रहता है, लेकिन इसका सीढ़िया जो है सीट के नीचे दिया रहता है, और यहाँ पर इसका फ्यूल इंजेक्टर दिया रहता है, जो सभी बाइक में देता है फ्यूल इंजेक्टर, यहाँ पर हेड के पास ही में देता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम टोटल बॉडी लगा रहे हैं तो क्या इसमें करंट आएगा कि बिना टोटल बॉडी के भी ये चल जाएगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इसका प्लग का वायर, यहाँ पे प्लग का वायर निकल गया। ये आपको ध्यान से देखना है, देखिए अगर इसमें कार्बोरेटर आप स्प्लेंडर बाइक में लगा रहे हैं तो ये जो है चीज़ आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर किए इसका चाबी ऑन, चाबी ऑन हो गया, इसका बैटरी अभी लो है, अभी इसका हम सेल्फ अभी नहीं ले रहा है, इसका किक मारो और देखो, देखिए हम इसमें किक मारेंगे और देखेंगे इसमें बिना टोटल बॉडी का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे मारो, देखिए इसमें जो है करंट नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फ्यूल इंजेक्टर इंस्टॉल करेंगे, इसमें यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर इसका लगाएंगे और देखेंगे फ्यूल इंजेक्टर लगाने के बाद इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फ्यूल इंजेक्टर लगा दिए, चाबी इसका ऑफ ऑन करो, एक बार ऑफ हो गई, ऑन हो गई, फिर से किक मारो। अभी देखिए अभी इसमें यहाँ पे इंजेक्टर लगाने के बाद इसमें जो है करंट आ रहा है, तो इसको इंजेक्टर जो है इसी में छोड़ना पड़ेगा, यानी इसको बाहर निकाल के हम कहीं भी इसको एडजस्ट कर देंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, इंजेक्टर बिना लगाए बाइक में करंट नहीं आएगा अगर आप कार्बोरेटर इसमें लगा रहे हैं तो। तो चलिए यहाँ पर टोटल बॉडी लगाने को आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बिना टोटल बॉडी के भी चल जाएगा, लेकिन इसमें फ्यूल इंजेक्टर चाहिए ही चाहिए, बिना फ्यूल इंजेक्टर की बाइक ये चालू तक नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, और यहाँ पे इसको हम जो कहीं भी इसको सेट कर देंगे, किसी भी साइड यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, कहीं भी एक कहीं भी आसानी से सेट हो जाएगा, यानी आसानी से फंस जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एक अर्थिंग लगाना पड़ेगा, एक वायर का कहीं भी अर्थिंग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोटल बॉडी लगा है तो इसको जो इससे अर्थिंग मिल जाता है बॉडी का, लेकिन हम इसको बाहर निकाल देंगे तो इसको जो अर्थिंग नहीं मिलेगा, तो एक वायर आपको लगा लेना है और कहीं भी इंजन में बॉडी में कहीं भी आपको कस के एक अर्थिंग इसमें दे देना है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लगा लेते हैं, और आपको जो अर्थिंग लगा लेना है और आपको ध्यान से देख के लगाना है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर साइड जो है अंदर इसको खोस देंगे। अब यहाँ पे अंदर खोसेंगे तो दिखेगा भी नहीं, अब प्लस में एडजस्ट भी रहेगा, तो अगर आप चाहें तो इसको कहीं भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए इसको हम लगा दिए, और इसका जो वायर रहता है सेंसर और चौक का, इसको भी हम ऊपर ही कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर अभी हम इसमें लगाते हैं ट्यूर बॉक्स, ये हो गया चौक का इसका। अभी इसमें हम लगाते हैं ट्यूर बॉक्स, यहाँ पर ओवर का पाइप लगाते हैं इसका, और बाइक स्टार्ट करके आपको क्लियर दिखाते हैं, बाइक ये पूरा परफेक्ट हो जाएगी और पूरा बढ़िया तरीका से चलेगी। क्योंकि देखिए देखिए किसी भी काम आप लगन से करते हैं, उसको मेहनत करते हैं और सभी चीज़ ध्यान दे करते हैं, तो उस वो जो काम में थोड़ा भी डिस्टर्ब आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो काम आप जल्दीबाजी में करते हैं तो वो काम आपको नुकसान ही मिलता है। कभी भी बाइक आपके पास आ सकती है नुकसान लेके कि भाई हमारा बाइक जो ऐसे हो गया। तो कभी भी आप काम करें तो उसको ध्यान से ही देख के करें, सभी चीज़ को चेक करके करें कि भाई अगर यहाँ पर हम इसका इंजेक्टर लगा देते हैं इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर लगाना है, कहाँ है, सभी चीज़ को आपको चेक करके ही लगाना है। तो चलिए यहाँ पे एक गियरबॉक्स लगा लेते हैं, इसका टंकी लगाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, और बाइक जो है आपको चालू करके दिखाते हैं। अभी ये टक स्टार्ट होगी और इसमें कोई भी दिक्कत भी नहीं करेगी, और माइलेज भी ये बढ़िया देगी, BS6 जो थी उससे बढ़िया BS4 ही माइलेज देती है, BS4 बढ़िया चलती है, तो BS4 जैसे ही सेम चलेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बाइक हमने स्टार्ट कर लिया, और यहाँ पे आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। मैं इसको इससे एक्सीलेटर लेकर दिखा देता हूँ, और इसको मैंने इसलिए स्टार्ट रखा रखा क्योंकि इसका बैटरी डिस्चार्ज है, इसके वजह से हमको किक से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। तो अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है पूरा ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है,
तो अगर आपको कोई भी परेशानी आ रहा है BS6 को BS4 बनाने में, तो आप हमको SMS करके पता कर सकते हैं, अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो। अगर आपको कोई भी समस्या आ रहा हो BS6 को है BS4 बनाने में कोई भी समस्या आ रहा हो, तो आप हमसे है SMS करके कमेंट करके ये चीज़ पूछ सकते हैं। चाहे भी अगर हमने अपना जो है इसमें मोबाइल नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर से आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो अभी आप देखें गाड़ी जो है कितना आसानी से फिट हो गई और कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको जो है आसानी से आप हमको कॉल करके चाहे SMS करके पूछ सकते हैं।